इमरान खान ने अडयाला जेल से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिखकर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने खत में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को सियासी इंतकाम और जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया जा रहा है। सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम किया जाए। अदालतों से जमानत होने के बावजूद सियासतदानों और बिलखसूस खवातीन कारकुनान की गिरफ्तारियां रुकवाई जाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दें। पैमरा को हुक्म दिया जाए कि वो दीगर सियासी जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम की भी मीडिया कवरेज करने की इजाज़त दे। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से मुतालबा किया कि पीटीआई की सियासी तशहीर अगवा और गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लें और इंतखाबी मुहिम के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हिदायत जारी करें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को बताया कि बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ किया जाए। इमरान खान ने खत में काजी फैज ईसा से दरखास्त की कि इस खत को आईन के आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पर लिया जाए।